चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m एंड पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इज डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स, देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी। सपोज एक बार मैग्नेट है ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसका पोल स्ट्रेंथ m m है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल m है, और अगर लेंथ l कंसिडर कर लिया जाए तो इसको दो तरह से कट किया जा सकता है, एक तो इस तरह से एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह, और दूसरा एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो पहले केस में एक्सिस के अलॉन्ग कट करते हैं, मतलब इस तरह से कट करते हैं इस तरह से, और दूसरे केस में हम कट करेंगे लेकिन एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करेंगे। तो जब आप एक्सिस के अलॉन्ग कट करेंगे तो दो पार्ट बन गए, अब पतले पतले दो पार्ट मैं ऐसे बना देता हूँ, छोटा हो गया साइज में, इसको इक्वल पार्ट लेंथ इक्वल रखे ना, और ठीक है ये मैंने कर दिया। अच्छा अब इसका तो पोल स्ट्रेंथ m था, लेकिन इसका m by 2 होगा और इसका भी m by 2 होगा, इसका भी m by 2, इसका भी m by 2, लेंथ दोनों की पहले जितनी थी उतनी ही है, तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा m by 2 into l यानी एम एल बाई टू, और जबकि यहां पहले शुरू में क्या था पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक मोमेंट कितना था m इंटू एल था, तो पहले के कंपेयर में ये कितना हो गया, आधा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, अब जब इसको कट करेंगे, इसका पोल स्ट्रेंथ m, इसका भी m, लेंथ l, ठीक है, तो जब इस तरह कट करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो गया, इसका पोल स्ट्रेंथ m, इसका भी m, इसका m, इसका भी m, लेकिन लेंथ आधी हो गई, लेंथ l by 2, l by 2 हो गई। तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट, नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा m into l by 2। तो अगर ध्यान से देखो तो ये हो गया ml by 2, और ml की वैल्यू क्या है, कैपिटल m के इक्वल है, यानी कैपिटल m by 2। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में भी और इस केस में भी m by 2 हो गया। आप कट किसी तरह से भी करो, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, m by 2 b वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।